मैक ई ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैंटिलीवर बीम का एक प्रॉब्लम लिए हुए हैं जिसमें यूडियल लोड और पॉइंट लोड दोनों लोड को कैरी कर रहा है ये बीम। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉइंट लोड का, यानी कैंटिलीवर बीम में जब पॉइंट लोड लगता है उस समय हम लोग SFD या BMD डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको हम लोगों ने सीखा। इसके बाद हम लोग कैंटिलीवर बीम में यूडियल लोड जब लगता है तो उस समय हम लोग कैसे SFD या BMD डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। तो जो भी इस चैनल में नए आए हुए हैं और वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो वो वीडियो जाकर देख लेना है ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाए। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड और यूडियल लोड साथ दिया रहे तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स में कैसे हम लोग SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि एक कैंटिलीवर बीम है इज लोडेड इज शोन इन द फिगर, ड्रॉ SFD और BMD डायग्राम। यानी एक फिगर दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपका लोड दिया हुआ है, जैसे कि पॉइंट लोड और यूडियल लोड भी है। तो अलग अलग पोजिशंस पे, जैसे बी पॉइंट पे पॉइंट लोड है, डी पॉइंट पे पॉइंट लोड है और इसके बीच में यूडियल लोड लग रहा है जो 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से लग रहा है। ये थ्रू आउट 2 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है और यहाँ पर 1 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड है सी पॉइंट पे, और पूरे बीम का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर का है। तो डिस्टेंस और सारा तो लोड दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, इसमें बोला जा रहा है कि SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करें। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को शेयर फोर्स का कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं हर पॉइंट पे, यानी हर पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स लग रहा है वो उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए हर पॉइंट पे हम लोग शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट कहाँ करते हैं, सबसे राइट वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो बी फिर डी सी ए पॉइंट, 4 पॉइंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट से, और उसके लिए शेयर फोर्स के लिए जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं वो यहाँ पे हम लोग नोटेशन दे देंगे। ये सेक्शन बांटे हुए हैं, राइट तरफ सेक्शन लेंगे तो डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव लेंगे, और इस तरीके से राइट सेक्शन के लिए अगर अपवर्ड रहेगा तो माइनस में लेंगे उसका शेयर फोर्स का, और लेफ्ट सेक्शन ले रहे हैं सेक्शन के लेफ्ट तरफ लेंगे तो अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए निगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन आप लोग को यहाँ पर नोटेशन कर लेना है कि कौन सा साइन कन्वेंशन आप यूज कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शेयर फोर्स सबसे पहले बी पॉइंट पे, शेयर फोर्स एट बी, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स। तो बी पॉइंट पे ले रहे हैं तो वैसा ही करना है हम लोग को, इस बी पॉइंट से इमिडिएटली राइट और इमिडिएटली लेफ्ट दो पोजीशन लेना है और राइट की तरफ ही देखना है। तो हम यहाँ नोटेशन कर देते हैं इमिडिएटली राइट, लुकिंग टुवार्ड्स राइट, राइट की तरफ देखना है। तो अगर बी पॉइंट के इमिडिएटली हम लोग राइट की तरफ खड़ा हो जाएं और इधर की ओर देखें तो हमें कोई फोर्स दिखेगा, यानी दिखेगा नहीं, यानी जीरो। इसके बाद इमिडिएटली राइट लेफ्ट, अब लेफ्ट पे खड़ा हो जाएं बी पॉइंट पे और लुकिंग टुवार्ड्स राइट, राइट की तरफ देखें तो हमें यहाँ पर खड़ा होने के बाद ये पॉइंट लोड दिखेगा। और ये इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है तो हम लोग राइट सेक्शन का ही ले रहे हैं तो डाउनवर्ड के लिए हम लोग पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 3 किलो न्यूटन। इसके बाद हम लोग आएंगे बी पॉइंट के बाद डी पॉइंट, तो शेयर फोर्स एट डी, डी पॉइंट पर भी हम लोग दो पोजीशंस लेंगे इसके राइट पोजीशंस और लेफ्ट पोजीशंस पे। तो इमिडिएटली राइट ले लेते हैं और लुकिंग टुवार्ड्स राइट, अगर हम यहाँ खड़ा होकर इसके राइट की तरफ देखें तो ये पॉइंट लोड और पूरा की यूडियल लोड दिखेगा हमें। तो पॉइंट लोड चूंकि डाउनवर्ड है तो प्लस में रहेगा 3 किलो न्यूटन का, और प्लस ये यूडियल, यूडियल का जो मान है वो 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर लग रहा है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, दो, तो 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल लोड के लिए। ये भी प्लस होगा क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है, 2 × 2, यानी इसका मान आ जाएगा 4 + 3 हो जाएगा +7 किलो न्यूटन। ये कैसे आया आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट लोड है और ये यूडियल है, यूडियल का मान जो है वो प्रति मीटर 2 किलो न्यूटन है और पूरा डिस्टेंस से 2 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ये लोड है और इसको आप जोड़ जोड़ दिया 3 के साथ, यानी 7 किलो न्यूटन हो गया। अब आते हैं इमिडिएटली लेफ्ट की तरफ, इमिडिएटली
लेफ्ट लुकिंग टुवार्ड्स राइट, यानी डी पॉइंट पे लेफ्ट की तरफ खड़ा होके राइट की तरफ देखना है। तो ये पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड और ये यूडियल लोड दिखेगा, यानी सभी का जो है डायरेक्शन वो डाउनवर्ड यानी प्लस में रहेगा। पहला स्टार्ट करते हैं प्लस थ्री, इसके बाद यूडियल, ये यूडियल लोड है दो इंटू दो, और प्लस आपका ये पॉइंट लोड, यानी ये हो जाएगा प्लस 9 किलो न्यूटन का लोड हो जाएगा पॉइंट डी पे। अब आते हैं हम लोग पॉइंट डी के बाद पॉइंट सी पे, एस एफ डी एट पॉइंट सी। यहाँ पर भी हम दो पोजिशन ले लेंगे सी पॉइंट पे, इमिडिएटली राइट और लुकिंग टुवार्ड्स राइट लेंगे। जब हम लोग सी पॉइंट पे इस पोजिशन पे खड़ा रहे इमिडिएटली राइट पे और इधर की ओर देखें तो यही फोर्स दिखेगा हमें, यानी ये प्लस 9 किलो न्यूटन। और इमिडिएटली अगर लेफ्ट पे खड़ा रहें और राइट की तरफ देखें तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, ये पॉइंट लोड। अगर यहाँ खड़ा होकर इधर देखें तो ये पॉइंट लोड भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी प्लस 9 प्लस 1, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, यानी हो जाएगा प्लस 10 किलो न्यूटन। ये हो जाएगा पॉइंट सी पर। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है पॉइंट ए, इस पर देखते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। यहाँ पर भी दो पोजीशन ले लेंगे, इमिडिएटली राइट इमिडिएटली लेफ्ट। इमिडिएटली राइट अगर पोजीशंस लें ए पॉइंट पे और इसको लुकिंग टुवार्ड्स राइट राइट की तरफ देखें तो जितना सारा फोर्स है वो सारा फोर्स दिखेगा, यानी इतना ही मान निकलेगा आपको, यानी प्लस 10 किलो न्यूटन। अगर इमिडिएटली लेफ्ट पे जाएं और लुकिंग टुवार्ड्स राइट देखें सेक्शन लें तो जितना फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उतना ही यहाँ रिएक्शन डेवलप होगा अपवर्ड की तरफ, यानी डाउनवर्ड अगर माइन प्लस में है तो अपवर्ड माइनस में होगा क्योंकि राइट सेक्शन लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा प्लस 10 माइनस 10, यानी 0 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा आपको ए पॉइंट पे जब हमें इमिडिएटली लेफ्ट पोजिशन लेते हैं ए पॉइंट पे। तो ये सारा पॉइंट पे आप लोग हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया शेयर फोर्स, दो दो पॉइंट लेने लिए हम लोग हैं ताकि जो सुविधा होगा जब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर सुविधा होता है, इसलिए बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने दो पोजीशन हर पॉइंट पे दो पोजीशन लिया हुआ है, इमिडिएटली राइट इमिडिएटली लेफ्ट। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं हर पॉइंट पे। तो आइए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं हर पॉइंट पे, बी डी सी और ए पॉइंट पे। तो इसके लिए हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, सेक्शन के अगर राइट तरफ का सेक्शन ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। उस तरीके से अगर सेक्शन के अगर लेफ्ट का पोजीशंस लेंगे, लेफ्ट राइट का तरफ लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव हम लोग साइन लेते हैं। तो आइए, तो हर जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा बेंडिंग मोमेंट तो ये शो कर दीजिएगा, और जब भी शेयर फोर्स जब आप बनाते हैं शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो शेयर फोर्स के लिए जो साइन कन्वेंशन आप चूज करते हैं उसको भी आप यहाँ नोटेट कर लीजिएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, यहाँ पे लुकिंग टुवार्ड्स राइट, जब भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो वो राइट की तरफ का पोजीशन से लेकर ही निकालेंगे। अगर बी पॉइंट पे है तो इधर की ओर देखें तो कोई फोर्स है नहीं तो उसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकलेगा भी नहीं, यानी जीरो। अब आते हैं बी पॉइंट के बाद अगर लेफ्ट की तरफ जाएं तो डी पॉइंट है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी लुकिंग टुवार्ड्स राइट, राइट की तरफ जितने ही फोर्स है सभी का निकालना है हमको बेंडिंग मोमेंट, तो राइट की तरफ देखना है। डी पॉइंट पे आप यहाँ पर हैं तो एक पॉइंट लोड है और यूडियल लोड है, तो पहले पॉइंट लोड के लिए हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे बेंडिंग मोमेंट। तो पॉइंट लोड आपका है डाउनवर्ड, तो ये जब इसका देखिएगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा इस डिस्टेंस पर क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेते हैं माइनस। राइट सेक्शन अगर सेक्शन के राइट की तरफ ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस लेंगे। माइनस लोड कितना है 3, और डी से उसका डिस्टेंस है जो डी पॉइंट से निकाल रहे हैं 2 है, तो हो जाएगा 2। अब यूडीएल के लिए निकालेंगे, तो यूडीएल के लिए निकालने के लिए अगर हम डी पॉइंट पे यूडीएल के लिए निकाल रहे हैं तो यूडीएल कितना आपका है 2, क्योंकि यूडीएल भी आपका है ये डाउनवर्ड ही लगेगा, क्योंकि यूडीएल जितना भी लोड है उसका भी इफेक्ट डाउनवर्ड, यानी इसको भी रोटेट कराएगा तो क्लॉकवाइज।
तो टोटल यूडीएल लोड माइनस कर देते हैं पहले, माइनस लोड कितना हो जाएगा, 2 × 2, ये हो गया लोड यानी फोर्स। और डिस्टेंस क्या लेंगे, तो चूंकि बताया था यूडीएल के लिए यूडीएल कहाँ एक्ट करता है, तो जहाँ तक यूडीएल लग रहा है वो उसके मिड डिस्टेंस मिड पे लगेगा, तो 2 किलो 2 मीटर पे डिस्टेंस है तो 2 का हाफ लगेगा, ये 2/2 डिस्टेंस पर एक्ट करेगा ये यूडीएल लोड। ये आपका फोर्स हो गया और ये जो है आपका डिस्टेंस है, याद रखिएगा। और किस डिस्टेंस पे एक्ट करता है यूडीएल, तो हाफ पे करता है। तो इसका मान देखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आ जाएगा -10 किलो न्यूटन मीटर। अब आते हैं हम लोग डी के बाद सी पॉइंट पे, यानी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी लुकिंग टुवार्ड्स राइट, राइट की तरफ देखेंगे। तो इस पॉइंट से फिर वही है, 2 पॉइंट लोड है, एक यूडीएल है, तो पहले 3 के लिए निकालेंगे, ये भी डाउनवर्ड, ये आपका क्लॉकवाइज रहेगा 3 × 2। अब सी से इसका डिस्टेंस निकालना है, ना कि आप बार बार वो डिस्टेंस चेंज, जिस पोजिशन पे लेंगे उसी उस पोजिशन से उस लोड का डिस्टेंस लेना है हमको। तो थ्री से सी पॉइंट से इस लोड का डिस्टेंस है 2 + 0.5 यानी 2.5, चूंकि इसका इफेक्ट पड़ेगा क्लॉकवाइज, चूंकि डिस्टेंस ये और ये लोड इसको रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज में, यानी माइनस रहेगा, चूंकि राइट अगर राइट सेक्शन ले रहे हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो माइनस लेंगे हम लोग। अब ये यूडीएल के लिए, यूडीएल कितना लग रहा है लोड, चूंकि यूडीएल का भी इफेक्ट डाउनवर्ड ही रहेगा यानी क्लॉकवाइज में, यानी माइनस रहेगा 2 × 2, ये तो हो गया लोड यानी फोर्स। अब सी से इसका डिस्टेंस जाएंगे यानी मिड पे जाएंगे, क्योंकि मिड पे एक्ट करेगा, तो ये 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 प्लस और 2 का हाफ पे जाएंगे, ये 2 0.5 और इसका हाफ, यानी ये टोटल डिस्टेंस पे जाएंगे हम लोग, तो 0.5 प्लस 2/2 हाफ कर देंगे, इस पे जाएगा। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो इसका मान आ जाएगा आपको सी पॉइंट पे -14.5 किलो न्यूटन मीटर। अब लास्ट पॉइंट है ए, ए पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट का, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट लुकिंग टुवार्ड्स राइट। तो अब देखते हैं कि ये पॉइंट, सभी पॉइंट लोड का, ये पॉइंट लोड का नहीं लिया, माइनस में हो, क्योंकि ये आपका इफेक्ट पड़ेगा क्लॉकवाइज 3 × 2, ए से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 2 और ये 0.5 यानी हो जाएगा 4.5, इसके लिए हो जाएगा फिर माइनस। अब यूडीएल के लिए निकालेंगे, यूडीएल है 2 × 2, इतना लोड लग रहा है क्योंकि ये भी आपका इफेक्ट पड़ेगा क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घुमाएगा। अब ए से इसका डिस्टेंस यानी इसके मिड पे जाएंगे, तो 2 और प्लस गुना करेंगे यहाँ पे, तो इसको ऐड कर देंगे, 2 + 0.5 प्लस 2 का हाफ पे जाएंगे, ये हो जाएगा इस यूडीएल के लिए। अब इस पॉइंट लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए चूंकि पॉइंट लोड भी आपका इफेक्ट पड़ेगा क्लॉकवाइज में ही करेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस में 2 × 2, यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 + 0.5 यानी 2.5, ये हो जाएगा। अब लास्ट है आपका ये पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड जो है इसका मान है 1, इसका डिस्टेंस है 2, ये भी इसका इफेक्ट पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाएगा इसको, यानी हो जाएगा -1 × 2। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो टोटल मान आ जाएगा इसका -34.5 किलो न्यूटन मीटर, यानी ये माना जाएगा। यानी हम लोगों ने हर पॉइंट पे पेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कर लिया, यानी बी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, सी और ए पॉइंट पे। अब इन्हीं सभी डाटा का यूज करके हम लोग SFD डायग्राम यानी शेयर फोर्स का जो कैलकुलेशन किया है हम लोगों ने, उसका डाटा से शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट जो कैलकुलेशन किया है इसकी डाटा से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने जैसे शेयर फोर्स का जो कैलकुलेशन किया है और बेंडिंग मोमेंट का जो कैलकुलेशन किया है इस बीम पर जितने जो लोड लग रहे हैं उसके लिए, तो अब इसका हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उस कैलकुलेशन की सहायता से ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो बीम हम लोगों ने जो प्रॉब्लम दिया हुआ था इसके नीचे हम लोग 2 एक्सिस खींच लेते हैं थ्रू आउट हर पॉइंट के
नीचे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ए पॉइंट के नीचे एक लाइन ड्रॉ की है, वह सी पॉइंट के नीचे, डी पॉइंट के नीचे और बी पॉइंट के नीचे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं और एक एक्सिस खींचे हुए हैं, ये शेयर फोर्स के लिए और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो हर जहाँ जहाँ पॉइंट मिलेगा आपको उसका हम लोग नोटेशन दे देंगे, जैसे ये पॉइंट आपका, ये जो लाइन है ये पॉइंट की तरफ है, ये पॉइंट पर है, ये पॉइंट सी पॉइंट पे सी, ये आपका डी और यहाँ पे आपका बी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स का जो कैलकुलेशन किए हैं, तो शेयर फोर्स का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड को स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी स्केल ले लेते हैं हम लोग। तो चूंकि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है शेयर फोर्स, यहाँ देख सकते हैं शेयर फोर्स हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है, तो ये जो है स्केल में इजली आ सकता है ना। तो हम लोग स्केल ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि स्केल ले लेते हैं वन, सेफ्टी के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, ये स्केल ले लेते हैं। यानी अगर 1 सेंटीमीटर खींचें तो आपको ये 1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर की ओर अगर हम लोग जाएं तो ये पॉजिटिव रीजन को बताएगा, नीचे आपका है सेफ्टी के लिए, ये आपका माइनस का रीजन है। चलिए हम लोग डाटा लेते हैं। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है इमिडिएटली राइट, दो पोजिशन है जीरो और राइट और लेफ्ट के लिए, 0 और 3 प्लस 3 किलो न्यूटन। तो पहला है 0, तो स्टार्टिंग करते हैं 0 से, 0 तो यहीं पर होगा, लाइन पर ही होगा। प्लस 3 किलो न्यूटन जो है वो पॉजिटिव है, यानी ऊपर जाएगा, तो 3 किलो न्यूटन हम ऊपर की ओर ले लेंगे, इस तरीके से स्केल से ले लेंगे, है ना। और चूँकि यहाँ जो डाटा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर ले लें, यानी अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर खींचें तो वो 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये ले लेते हैं हम लोग, यानी आप डबल ले लेते हैं। तो हाफ स्केल ले लेते हैं, हाफ स्केल लिए, यानी अगर 0.5 खींचते हैं तो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर तो यहाँ पर 3 है तो हम लोग यहाँ पर 1.5 ले लेते हैं, इस तरह से स्केल पे ले लीजिएगा, स्केल पे यहाँ पे 1.5 आपका हो गया, ये आपको बताएगा, ये आपको 3 किलोन्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 किलोन्यूटन यहाँ हो गया, आपको मार्क कर देंगे, यानी बी पॉइंट पे 0 और 3 किलोन्यूटन। अब आते हैं डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे देखिएगा, डी पॉइंट पे जो है हम लोगों ने निकाला हुआ है, पहला मान है 7 किलोन्यूटन और दूसरा है 9 किलोन्यूटन। तो हाफ अप कर देंगे, 7 जाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर चले जाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर पहले यहाँ से जाएंगे, यानी ये पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 7 किलोन्यूटन और दूसरा है आपका 9, यानी 4.5 चले जाएंगे, यानी 9 किलोन्यूटन यहीं पे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 9 किलोन्यूटन चला गए हम लोग इसी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे देख सकते हैं, डी पॉइंट पे आपका दो पोजीशन है, 7 किलोन्यूटन और 9 किलोन्यूटन। तो सबसे पहले हम लोगों ने 7 किलोन्यूटन लिया है और दूसरा आपका 9 किलोन्यूटन। अब आते हैं पॉइंट जो है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे मेरा दो है आपका, 9 है और 10 है, तो 9 जो है इसके पैरेलल में ही रहेगा 9, और 10 जो रहेगा यहाँ से हम ले सकते हैं, ये आपका 10th आ गया यहाँ तक, है ना, 9 तो यहाँ तक ही रहेगा, ये 9 हो गया, ये आपका 10th हो गया, ये 10 लिख देंगे हम लोग, 10 किलो न्यूटन। चलिए अब जो आपका ए पोजीशन पे है, ए पॉइंट पे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है शेयर फोर्स, वो है आपका 10 और आपका 0 है, यानी 10th इसके बराबर ही आपका 10th यहाँ रहेगा, यहाँ 10th ले लेंगे, स्केल से ले लीजिएगा जो हम लोगों ने स्केल कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पर ये 10 किलो न्यूटन आ गया, लास्ट है आपका 0। तो जैसे स्टार्ट किए थे वैसे ही वैसे हम यहाँ पर इसको हम लोग मिला देंगे, यानी ये आ गया आपका थ्रू आउट 0 से आपका ये आ गया, इसके बाद यहाँ से थ्रू आउट ये आपका पैरेलल जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक चला गया है, अगर ये अगर बराबर रहता तो ये 3 रहता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक इस तरह का लाइन बनेगा, इस तरह का लाइन बनाएंगे हम लोग, ये गया, यानी 0, 3, 7 इसके बाद 9, 9 के बाद फिर यहाँ पर 9 है, पहला लाइन जाएगा यहाँ से 9, 9 के बाद यहाँ पर 10th है, 10 जाएंगे हम लोग, 10 के बाद फिर यहाँ 10th है ए पोजिशंस पे, ए पॉइंट पे 10th के बाद यहाँ पर फिर 0 है, इस तरीके से, और ये पूरा पूरा आपका ये डायग्राम जो है बन गया,
आप इसको डार्क कर लीजिएगा और यहाँ पर आप हैचिंग कर सकते हैं, हैचिंग कर लीजिएगा इस तरीके से। तो ये आपका जो डायग्राम बना वो शेयर फोर्स डायग्राम बना था, आप यहाँ नोटेशन कर सकते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। अब बीएमडी का जो कैलकुलेशन किए हैं हम लोग, यानी बेंडिंग मोमेंट का जो कैलकुलेशन किए हैं, उसकी सहायता से अब हम लोग बीएमडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं ये बीएमडी का कैलकुलेशन था, हर पॉइंट पे बी डी सी ए पे, तो हम उस पोजीशंस पे हम लोग अब इसका हम लोग क्या लेंगे, इसका जो हम लोग स्केल क्या लें, तो इसका भी देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा पॉइंट आपका है, 34.5 है, 14.5 है, 10th है, तो हम कौन सा स्केल ले जो ये आपका अच्छी तरीके से उसमें आ जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें स्केल ऐसा ले जो उसमें मिल जाए आपको, तो कितना स्केल लें कोशिश करते हैं कि आप ले लें यहाँ पर, अगर 1 सेंटीमीटर हम लोग खींच रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर जो है हम लोग, तो चलिए अब हम लोग बीएमडी डायग्राम बनाते हैं। तो बीएमडी डायग्राम के लिए कैसा स्केल ले जो ये जो डाटा है जो हम लोग को डायग्राम में मतलब कैलकुलेस जो डाटा जो स्केल लें उसमें ये सब जो वैल्यू है वो पुट आ जाए, तो काफ़ी बड़ा बड़ा वैल्यू है, 34.5 है, 14.5 है, स्केल में आसानी से आ जाए, डायग्राम अच्छी तरीके से बन जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि वैसा स्केल लें। तो स्केल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग लेंथ खींच रहे हैं तो वो 5 किलो न्यूटन मीटर को रिप्रेजेंट करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब किस तरह से इसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो बी पॉइंट पे है 0, तो यानी इसमें भी जो रीजन रहेगा ऊपर की ओर पॉजिटिव रहेगा और नीचे की ओर नेगेटिव रहेगा, है ना, तो सारा वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि जो हम लोग साइन कन्वेंशन लिए वो नेगेटिव नीचे ही में बनेगा। तो पहला है 0, दूसरा है डी पॉइंट पे -10 है, तो पहला 0 है बी पॉइंट पे, हम नोटेशन दे देते हैं, ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ पर आपका डी पॉइंट है, सी और ए है। चलिए अब नोटेशन देते हैं हम लोग, तो नोटेशन पहला है बी पॉइंट पे 0, 0 के बाद है डी पॉइंट पे 10th है, तो हम लोग कितना ले ले सकते हैं, चूंकि 1 सेंटीमीटर के लिए 5 किलो न्यूटन है, यानी हो जाएगा 10 को हाफ कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ खींच लेंगे, 5 से नहीं 2 हो जाएगा, चूँकि सॉरी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूँकि हम लोग जो स्केल लिए हुए हैं ये इसको हम लिख सकते हैं 10th किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया। अब इसके बाद जो आता है सी पॉइंट पे 14.5, इसका अगर हम लोग देखें 5 से डिवाइड कर दे तो वो आ जाएगा 2.9, है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2.9 का स्केल लेके यहाँ चले जाएंगे, यानी ये बताएगा आपको, ये बता रहा है यानी सी पॉइंट पे 14.5 किलो न्यूटन मीटर को, है ना, सी पॉइंट पे। अब आते हैं ए पॉइंट पे 34.5, इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6.9, तो यहाँ पे हम लोग 6.9 का स्केल ले लेंगे, 6.9 इस तरह का ले लेंगे, यानी 6.9 आ गया, 34.5 किलो न्यूटन मीटर, 34.5 किलो न्यूटन। अब क्या करना है इसको हम लोग को, चूँकि यहाँ जो था मेरा यूडियल लोड है, तो ये जो बनेगा ये मेरा पैराबोलिक कर्व रहेगा, इस तरीके से हम लोग पैराबोलिक कर्व बनाएंगे, और इसके बाद सभी जगह पॉइंट लोड है, तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन, इस सभी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये जो है ये बीएमडी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, सारा जो एरिया है उसको इनक्लोज कर देंगे, यानी इसको घेर देंगे हम लोग,
इस तरीके से, और इसको हम लोग हैचिंग कर देंगे। तो ये मेरा BMD डायग्राम बन गया, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया हुआ इस प्रॉब्लम से, यानी इस प्रॉब्लम का जो हम लोग SFT और BMD डायग्राम बनाया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।